एन में क्वेश्चन आया था कि इनमें कितने त्रिभुज हैं और इसमें कितने त्रिभुज है तो आगे भी आने की संभावना है तो ये देखते हैं दो बार आ चुके हैं क्वेश्चन यही वाला लगता है तो देखिएगा जब दो बेस रहता है एक दो तो कितना होता है इसमें पाँच ये तो सिंपल आदमी गिन सकता है एक दो तीन चार बड़ा वाला पाँच सिंपल है पाँच लेकिन अगर इसमें अगर इसको गिनना है तो अब थोड़ा सा कठिनाई होती है गिन नहीं पाता है तो एक दो तीन अगर नीचे तीन बेस रहता है तो इसका होता है तेरह अगर एक दो तीन चार रहता है तो कितना होता है सत्ताईस अगर पाँच रहता है एक दो तीन चार पाँच तो कितना होता है अड़तालीस इसको आप याद ही कर लीजिए सही रहेगा क्योंकि ट्रिक लगाए अभी ट्रिक बताएंगे देखिए कैसे होता है इसका मेन जो टॉपिक है ये तीन आप चारों पूछता है यहीं से और कहीं से नहीं पूछेगा कितना पाँच तेरह सत्ताईस अड़तालीस टी दो पर होता है पाँच तीन पर तेरह चार पर सत्ताईस और पाँच पर अड़तालीस ट्रिक भी कुछ बहुत जो चर्चित हैं इस पर कितना त्रिभुज है तो सीधा कुछ नहीं करना गिनीगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह यार तो सोलह हमें दो से गूढ़ा करें क्या करें दो से गूढ़ा करें और पाँच को घटा दें तो सोलह दोनों बत्तीस बत्तीस में पाँच घटाइए कितना हो जाएगा सत्ताईस कितना सत्ताईस यही ट्रिक है एक दो तीन चार नीचे का घात बेस पर चार है तो कितना है उसका सत्ताईस बताएं हम भी और तीन पर देखिए गिनिएगा तीन का एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ कितना है तो नौ तो कुछ नहीं करना है नौ में दो से गूड़ा करेंगे और क्या करेंगे पाँच को घटा देंगे ये ट्रिक है तो नौ दो नट्ठारह माइनस पाँच इसका मतलब तेरह तो तीन पर एक दो तीन पर तेरह था लेकिन लेकिन अगर पाँच वाला आ जाता है नीचे लेकिन अगर नीचे पाँच बेस रहता है एक दो तीन चार पाँच तो इस पर जो है ट्रिक नहीं कार्य करता है किसी भी यूट्यूबर का ट्रिक नहीं कार्य करता है तो इसीलिए बताएं बताएँ कि पाँच के लिए आप याद कर लीजिए कितना होता है फोर्टी एट अड़तालीस होता है तीन के लिए तेरह चार के लिए सत्ताईस पाँच के लिए अड़तालीस याद ही कर लिए ठीक है थैंक यू